सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम न्यूज। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से त्रस्त व त्राही त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब मजदूर किसान बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफी जरूरत महसूस की है और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितेशी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं।